के होटल बीच लग्जरी में सिंध हुकूमत की जानिब से रंगारंग सूफी गाला का अहतमाम किया गया, जिसमें सिंध समेत मुल्क भर से फनकारों ने शिरकत की। हाजरीन से खूब दाद समेटी। देखते हैं मोहम्मद अब्बास शाह की ये रिपोर्ट। प्रोग्राम में आके कैसा लग रहा है, किस सिंगर को सुनने आई स्पेशली? प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी सिंध से ताल्लुक रखती हूँ, ठट्टा से, तो मैं आदि का कहानी को सुनने आई हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है कल्चर डे के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने, और जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे, और सबकी परफॉर्मेंस मैंने देखी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत एंजॉय किया है, मज़ा आ रहा है। हम हदीका कियानी को सुनने आए और प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पेशली ये हमारे सिंध का कल्चर है तो इसको हम सेलिब्रेट करने आए हैं स्पेशली, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से है तो वी आर रियली इंजॉइंग, और माशाल्लाह से आज तो वेदर भी बहुत अच्छा है। काफ़ी दिनों बाद ये इवेंट किया गया है और स्पेशली मैं हदीका कियानी को सुनने के लिए यहाँ आई। बहुत बहुत शुक्रिया कल्चर डिपार्टमेंट का इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और होपफुली फ्यूचर में भी आप लोग इससे इससे ज़्यादा अच्छे जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है इस इवेंट में आके, इट्स वन ऑफ अ काइंड ऑफ इवेंट, इस तरह के इवेंट्स बहुत रेगुलर होने चाहिए। आज हम लोग स्पेशली हदीका को सुनने के लिए आए हैं तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रवानी साहब को सुनने आए और प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जितने पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान है और ये जो मामला चल रहे हैं ज़हनी दबाव है, ऐसे म्यूजिकल प्रोग्राम हुकूमत सिंध को रखना चाहिए, और जैसा कि रखा है दिल खुश हो रहा है, आवाम आ रही है, देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची दोबारा अपनी रोशनी में बहाल हो। तफरीक के खत्म कंदड़ दरगाहों आए तमाम गवाही दींदो तभी सचल साईं ते वनो कलंदर साईं ते वनो लतीफ साईं ते वनो। सिंध सूफियन की सरजमीन आए, मोहब्बतन की सरजमीन आए, ये असां जो दरगाह